मोटिवेट करती हूँ कि वो अपनी हिम्मत को ना हारे और अपने आप से लड़े, अपने बारे में सोचे, अपने हक के बारे में सोचे। तो हमें क्या, इस समाज में कोई भी लड़कियों को झुका नहीं सकता। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव लाइव रिपीट न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं शिरोज़ की हीरोज़। शिरोज़ की हीरोज़ आज हमारे साथ है और मैं जानना चाहूँगी, और रूपाली और आपका स्वागत करती हूँ। आप बताइए क्या मंजर रहा होगा उस वक्त, आपके साथ क्या हुआ? मेरे ऊपर 2015 में एसिड अटैक हुआ था। अटैक का रीजन जेलिसिस थी और मुझे नहीं पता था कि मेरा अटैकर कौन है, क्योंकि मेरे ऊपर रात में सोते समय एसिड अटैक किया गया और मैं बेहोशी की हालत में थी। और जब मुझे होश आया तो मेरा पूरी बॉडी जल चुकी थी और मुझे ये, मैंने अपने अटैकर को नहीं देखा कि वो कौन है कौन नहीं है। तो किस तरह हुआ, किस वक्त हुआ आपके साथ? एक्चुअली मैं अटैक के पहले एक आर्टिस्ट थी और मेरे ऊपर शूटिंग सेट पर ही एसिड अटैक हुआ था। और मतलब मैं रात में सो रही थी, मेरे खाने में नींद की दवा दी गई थी और उसके बाद मेरे ऊपर एसिड अटैक किया गया कि शायद ये पहचान ना पाए, आगे ना बढ़ पाए। तो कोई नहीं चाहता था कि मैं आगे बढ़ूँ या कुछ करूँ, और इसलिए उसने मेरे ऊपर एसिड अटैक कर दिया। और जब मैं होश में आई तो मेरी पूरी बॉडी जल चुकी थी। मतलब ऐसा, मतलब मेरे फेस में ना कोई एक्टिविटी नहीं थी। और जब मैंने अपने फेस को टच किया तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि जैसे गर्म पानी में हम रुई को डाल देते हैं, रुई एकदम फूल जाती है, उसमें कोई कुछ जान नहीं रहती। सेम मेरे साथ ऐसे ही था और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कोई मेरे पास नहीं आ रहा था, लोग दूर से ही तमाशा देख रहे थे और सबका अलग अलग कमिटमेंट था कि नाटक कर रही है ये वो। फिर मेरा चेहरा और जलता जा रहा था और पता नहीं अजीब सी स्मेल आ रही थी। और जैसे ही मैं चिल्ला रही थी कि मेरे ऊपर पानी कोई डाल दो, पानी भी नहीं डाला, और क्योंकि जलन इतनी ज़्यादा थी। और जैसे ही मेरे ऊपर पानी डाला गया, मेरी बॉडी और बर्न होने लगी और मेरे बॉडी से धुआं निकलने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं अपने फेस को फील कर रही थी, अपने जलन को फील कर पा रही थी। और जिस तरीके से फेस से आवाज़ें आ रही थी, मतलब वो सब हम फील कर पा रहे थे। मैं ये सोच रही थी कि मुझे अचानक से हो क्या गया, मैं कल बहुत अच्छी थी, आज ऐसा क्या हो गया कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो। बड़ी मुश्किल से मुझे एक नॉर्मल से गांव में, जानते ही हैं कि मतलब जहां मेरा हमारा शूटिंग चल रहा था वहां दूर दूर तक कोई, मतलब 40-50 किलोमीटर की दूरी पे तक कोई हॉस्पिटल नहीं था। एक नॉर्मल सा झूले छाप डॉक्टर के यहाँ गए थे हम लोग और वहां पे जैसे तैसे ट्रीटमेंट हुआ और वहां के भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यहां पे कुछ नहीं हो पाएगा, इसको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो मुझे हॉस्पिटल में लेके जाने में कम से कम आधे घंटा, मतलब एक घंटा ऊपर हो गया था। मुझे ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण सही वक्त पे मेरी एक आँख चली गई और मैं एक आँख से एक आँख से मैं ज़िंदगी भर के लिए ब्लाइंड हूँ और मैं कभी इस आँख से नहीं देख सकती। और मैं जैसे हॉस्पिटल पहुँची, वहाँ के लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब ऐसे ऐसे लग रहा था ना कि मैं एक कोई बोरी हो चुकी हूँ कि मुझे यहाँ से उठा के वहाँ पटक रहे हैं, वहाँ से यहाँ, मतलब किसी का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि हमें करना क्या है। तो मैं काफ़ी देर तक, मैं जो हॉस्पिटल में व्हीलचेयर टाइप में होती उसमें बैठी रही काफ़ी देर तक कि मुझे ट्रीटमेंट मिले। मैं तड़पती रही, जलन इतनी ज़्यादा थी कि किसी भी पेन किलर से दवा और किसी चीज़ से कम नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मुझे बेड, बहुत मुश्किल से जाके बेड मिला, वहाँ पे भी बहुत गंदगी थी बहुत ज़्यादा। और मेरी मतलब इसकी, मेरी सांसें रुकने लगी। 3 दिन तक मैंने किसी तरीके से सर्वाइव करना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वहाँ के लोगों ने ना ही मुझे बीगो लगाया ना ही कुछ किया। फिर एक वहाँ पे एक नर्स थी, बहुत अच्छी थी, उन्होंने, उनको शायद पता था कि जलने के बाद क्या किया जाता है, तो उन्होंने मुझे बीगो लगाया। मेरी बॉडी का जितना पानी था वो जल चुका था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बीगो लगाया, मैं चिल्लाती रही कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर जैसे जैसे मेरे अंदर पानी जाता रहा वैसे वैसे थोड़ी सी जलन कम हुई, लेकिन उतनी मैं नहीं कह सकती कि पूरी जलन कम हुई। और उसके बाद मुझे क्रीम वगैरह लगाया गया और उसके बाद मैं 3 दिन तक, मैं 3रे दिन पर मेरी सांस रुक गई थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तो मेरी मम्मी बहुत मुश्किल से लोगों से गुजारिश कर रही थी कि इसको ट्रांसफ़र कर दो, कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। तो वहाँ के लोग मुझे ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहे थे, किसी रेफर भी नहीं कर रहे थे किसी हॉस्पिटल में कि ये रेफर हो जाए, इसकी ज़िंदगी बच जाए। बड़ी मुश्किल से संघर्ष करने के बाद रेफर लेटर मिला और मुझे बनारस शिफ्ट किया गया। वहाँ के डॉक्टर मुझे देख रहे थे
कि इस लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो, तो उन्होंने खुद बोला कि मैं इसका इलाज करूँगा, आप भेजिए, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको कैसे सही करूँ। मैं किसी तरीके से मतलब 5-6 घंटे का सफ़र करके, और फिर भी मतलब मेरी आंखों पे कोई मतलब कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था जो सही तरीके से ध्यान दे पाए। तो जब मैं बनारस पहुंची, मैंने वहां पे बोला कि मुझे आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, और एक आंख से तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चला, जब आई ड्रॉप वगैरह डाले जाते तो मुझे कुछ फील नहीं होता था इसके अंदर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने जो करना था किया, मैंने एक दिन ऐसी आँखों को खुजलाया अपना, मेरी पूरी आंख बाहर आ गई थी, जो कॉर्निया होती है वो बाहर आ गई थी अपने आप। और मैं मतलब बहुत डर चुकी थी कि मम्मी ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। मम्मी मुझे दिलासा देती थी रोज़ रोज़, मेरी आंखें छोटी होती जाती थी। फिर एकदम से मेरी आंखें ख़त्म हो गई। एक आंख से मैं 1-1.5 महीने में देख पाई, उसके बाद से उस आँख में मैं भी रोशनी बहुत कम होने लगी। तो डॉक्टर का कहना यह था कि अगर इस आँख को बचाना है तो इसको सिल के रखना पड़ेगा। अब जब उस आँख को सिल के रखा गया, मैं तो दिखाई तो मुझे देता नहीं था, मुझे बहुत पेन होता था। जब जब वो टाँके टूटते थे तब तक मुझे हॉस्पिटल में लेके जाते थे, फिर वैसे सिला जाता था। मतलब मैं यही कहती थी कि ये जो समय है ना बस यही ख़त्म हो जाए, या मैं हमेशा डॉक्टर से कहती थी कि मुझे जहर की सुई लगा दो, मुझे जीना ही नहीं है। क्योंकि पता इतना पेन होता था बॉडी में कि वो बर्दाश्त से बाहर होता था। एक जिंदा इंसान को काटना, एक जिंदा इंसान के मतलब उस तरीके से ट्रीट करना। लेकिन डॉक्टर लोगों ने मतलब बहुत किया, बनारस वाले डॉक्टर। तो मैं यही कहती हूँ कि मतलब सबको ऐसे डॉक्टर मिलना चाहिए जो इतने प्यार से ट्रीटमेंट करें, इतने प्यार से उस सर्वाइवर को संभालें और उसको एक भरोसा दें कि हाँ तुम सही हो सकते हो। किसी तरीके मतलब मेरी फैमिली सपोर्ट कोई नहीं था, सिर्फ माँ के अलावा। और हम इतने अच्छे परिवार से मतलब इतने अच्छे परिवार से नहीं थे कि जो अच्छे से हम लोग ट्रीटमेंट करा सके। हम एक बहुत गरीब परिवार से थे, जो खेती किसानी पे हम लोग जीते थे, और जितना खेती किसानी होती थी उस हिसाब से हम लोग का काम चलता था घर का। तो बहुत मुश्किल होती थी हम लोग ने। फिर उसके बाद जैसे तैसे मैं सही हुई, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना फेस देखा मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था इसको फेस मत दिखाना, इसको मतलब हर जगह का शीशा मेरा हटा दिया गया था। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे अपना चेहरा देखना है, तो मम्मी ने कहा कि नहीं मतलब चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि तुमको कुछ हो जाएगा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा शीशा था, उसमें जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम फेस देखा मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। आपने देखा होगा जैसे दुकानों पे जानवर को काट के टांग दिया जाता है, मैं उस तरीके से थी पूरा। मैं अपनी बॉडी की एक एक नस देख सकती थी, हड्डियाँ देख सकती थी। मुझे एकदम अजीब सा फील हो रहा था कि मेरा फेस ऐसा हो सकता है, मैं ऐसी दिख सकती हूँ। मैं अपने आप से सवाल करती थी। लेकिन जब मैंने अपना फेस देखा बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, क्योंकि मेरा फेस नहीं रह गया था, बहुत भयानक दिखता था। नाक कहीं और थी, मुंह कहीं और था, और कान भी नहीं सही तरीके से रह गए थे। मतलब मेरा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी, और मेरा मतलब मेरे होश में मेरे पूरे कान गल चुके हुए थे। तो मेरे कान को होश में ही काटा गया। मैं डॉक्टर से कहती थी नहीं मेरे कान मत काटो क्योंकि मुझे दर्द होता है, तो डॉक्टर कह रहे नहीं दर्द होगा क्योंकि उसमें जान ही नहीं रह गई। तो जो लड़की मतलब एकदम फैशन में रहने वाली, इतना सब कुछ करने वाली, एकदम से उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और वो तड़प रही है कि मतलब नहीं मुझे बस जीना नहीं, मुझे मरना है, किसी तरीके से मरना है। जब मैं होश में आई, जब उसके दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला था और मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने वाली थी, कि वो फेस देखने के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है माइंड में कि वो आगे करेगी क्या, वो किसके लिए कैसे जिएगी कैसे नहीं जिएगी। मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, बहुत मुश्किल से मुझे बेहोश किया गया, और जब मैं होश में, मेरे दिमाग में यही था कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊँगी और मेरा फिर से वैसे फेस हो जाएगा, मैं फिर से अपना काम करूँगी। लेकिन जब मैं बाहर आई तो ऑपरेशन के बाद जो बॉडी में और पेन हुआ वो बहुत भयानक था, क्योंकि हमें सर्वाइव करना पड़ता। अगर हमारे हाथ चिपक जाते तो हमारे हाथ को कम से कम 1-1.5 महीने तक उस तरीके से रखना पड़ता है, हम कुछ नहीं कर सकते उस हाथ के साथ। और मुझे गर्दन ऐसे लटका के मुझे रहना पड़ा था कम से 2 महीने, और ना मैं करवट हो सकती थी, ना मैं किसी में डॉक्टर से कहती थी कि मुझे नहाना है, मैं नहा नहीं सकती थी। तो वो सारी चीज़ें ना कि एक एक बॉडी की हर एक सिचुएशन में हमें अपने आप को ढालना पड़ता था। तो मैं बहुत ज़्यादा तड़पती थी, तो डॉक्टर बोलते थे ठीक है हम तुम्हें किसी तरीके से नहलाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि चलो अब मैं नहाऊँगी।
लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं नहा नहीं सकती कुछ दिनों के लिए। फिर उसके बाद मैं जैसी होश में आई, मैंने मेरे वो माइंड में वो सब चीज़ें चलती चलती इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो गई थी कि मैं ट्रॉमा में जा चुकी थी। और वो ट्रॉमा इतना ज़्यादा था कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरी आज ही सर्जरी हुई है। मैंने अपनी पूरी बॉडी का जितना भी पार्ट मेरे अंदर जुड़ा हुआ था मैंने सब वो निकाल के फेंक दिया था, सब नोच नोच के फेंक दिया। मेरे पूरे हाथ ब्लड से लगे हुए थे, मेरा पूरा बेड रंगा हुआ था। बस यही था ना कि लोग ये कह रहे थे, मतलब सबने सोच रहे थे ये पागल होगी, ये जिंदा नहीं रह पाएगी ज़्यादा दिन। मुझे कई दिन तक बेड पे बांध के रखा गया कि अपनी बॉडी पार्ट को ख़राब ना करें, क्योंकि डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने यही कहा था कि मैं कितना थाई से चमड़ी निकालूंगा अगर ये ऐसी रहेगी तो, क्योंकि थाई से चमड़ी निकालना, अगर एक जगह से हम निकाल रहे हैं तो एक जगह का हमें ख़राब करना पड़ता है। हमारा हम नहीं चाहते उस चीज़ को ख़राब करना, लेकिन हमें करना पड़ता है क्योंकि उसको सही करना है। तो डॉक्टर मुझे दिलासा देते थे। और सबसे दुख की बात मुझे उस समय थी कि मेरे पापा ने मेरा साथ छोड़ दिया था। पापा ने डायरेक्ट बोल दिया था कि इसको पॉइजन दे दो, ये मर जाए, घर वापस लौट के ना आए। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि मतलब मेरी बेटी की अगर ऐसी हालत होती तो मैं उसका साथ देता, ना कि उसको मारने की कोशिश करता। तो मैं पापा को बुलाती थी लेकिन पापा मेरे पास नहीं आते थे। तो एक उन्होंने पिता बन के मेरा सपोर्ट किया उस समय। मतलब जब भी मुझे दुख होता था तो मेरे सर के पास बैठते थे, मुझे प्यार से बातें करते थे, हाथ पकड़ते थे कि हाँ तुम सही हो जाओगी, परेशान मत हो, जो एक पिता को करना चाहिए था। लेकिन मेरे पिता ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं किसी तरीके से सही हुई, मेरे सर पे बाल भी नहीं थे। नहीं क्या कहते हैं, मतलब मैं बालों की बहुत शौकीन थी और मतलब फेस में मुझे अपना फेस बहुत पसंद था। लेकिन जब मैं ठीक हुई उसके बाद तो मैं पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुकी थी, मुझे दिखाई नहीं देता था। तो मैं ये सोचती थी कि अगर जब भी मैं अपना फेस दे, जब भी मैं अपने बाल छूती थी मुझे लगता था कि अब कुछ नहीं बचा, अब लगता ख़त्म हो गया सारी चीज़ें। किस तरीके से आप बाहर निकली? मतलब एक होता है ना, इतना हो जाने के बाद एक खूबसूरत चेहरा इस तरह हो गया, किस तरह आप बाहर निकले, किस तरह आपने अपने आप को मोटिवेट किया? देखिए मुझे बाहर निकल, मैं तो अभी भी कहती हूँ मैं बाहर अभी भी नहीं निकल पाई, मुझे अभी भी वो सारी चीज़ें ना अंदर से रौंदती हैं कि मतलब क्या है क्या नहीं। अभी भी मुझे ये लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद मुझे एक दौर ऐसा आया कि मेरे पिताजी ने बोला कि अगर तुम्हें इनके साथ रहना है, मम्मी को मेरे, कि अगर तुम्हें अपनी बेटी के साथ रहना है तो तुम मुझे तलाक दे दो। तो वो दौर मेरे लिए बहुत मतलब अजीब था। और जब स्टेशन पे मैं घर जा रही थी, मुझे बहुत ज़रूरत थी फैमिली की, तो मेरे पिताजी ने बोला कि इसको यहीं स्टेशन पे छोड़ दो, जब तक जिंदा रह पाएगी, वैसे देख तो पाती नहीं है, जिंदा रह सकती तो जिंदा रहेगी, नहीं तो किसी कहीं पैर फिसल गया तो ट्रेन के नीचे आके कट के मर जाएगी। वो दिन मेरे लिए बहुत गंदा था दिन जब मैंने सुना। तो मैंने उसी दिन से ठान लिया कि अब मुझे कुछ करना है, और अगर मेरी आँख की रोशनी वापस आ जाएगी तो मैं फिर से पैर पे खड़ी होंगी और फिर से मैं दिखाऊंगी लोगों को कि हाँ मैं वही चीज़ हूँ। तो मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ और मैं एक आँख से देख पाई। तो मैंने मुझे सिरोज के बारे में पता चला कि यहाँ पे ऐसी ऐसी लड़कियाँ काम करती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँगी और मैं काम करूँगी और फिर से अपने पैरों पर खड़ा होऊंगी। तो फिर मुझे यही, जब मुझे सरकार की तरफ से कुछ पैसे मिले तो मेरे पापा ने मुझसे बात करने की कोशिश की कि मैंने कहा पापा अगर पैसे से ही रिश्ते बनते हैं तो दुनिया समाज में बहुत रिश्ते मिल जाएंगे। जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया और मेरे अंदर की जो हिम्मत थी फिर से वैसी हो गई और मैं लोगों के सामने बैठने लगी, उठने लगी, और मुझे वैसे फील हुआ कि मैं एक वो दौर था, वो उस समय भी मैं कैमरे के सामने थी, मीडिया के सामने भी थी, और इस समय में भी मैं वही हूँ। तो कुछ बदला नहीं है, चेहरा गया तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर हिम्मत बाकी है तो मैं और कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं यही कहती हूँ अगर मैं हीरोइन नहीं बन पाई तो क्या, लेकिन अभी भी मोटिवेशनल हीरोइन हूँ। और आप हीरोइन हैं भी, जो लोगों को मोटिवेशन करती हूँ। पहले भी रूपाली नाम से जानी जाती थी और अभी भी रूपाली नाम से जानी जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है कि मैं अब लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि वो अपनी हिम्मत को ना हारें और अपने आप से लड़े। सबसे ज़रूरत दिन सबसे अहम पल वो होता है कि जब हमें डिसीज़न लेने का समय आता है ना, तो हम फैमिली के बारे में सोचते हैं और उसी समय डिसीज़न छोड़ देते हैं कि हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन हमें डिसीज़न लेने का समय होता है, उसी समय डिसीज़न लेना हो चाहिए तो शायद अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर हम अपनी कोई लेते हैं, खासकर लड़कियों का होता है कि कोई चीज़ हुआ, ब्रेकअप हुआ तो मतलब अपने आप को रोक देती हैं, कुछ पढ़ाई में कोई दिक्कत हुई तो अपने आप को रोक देती, नहीं हम उसी समय
ये सीखना है कि अगर हमें ये चीज़ गिरा सकती तो ये चीज़ उठा कितना सकती है। हमें उससे उठना है, हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हम महिलाओं के अंदर ना एक नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते। हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने भाई के बारे में सोचते हैं, अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, अपने पति के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम, मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन चलता है, जब हम कुंवारे होते हैं तो माँ बाप बचपन से दिमाग में डालते हैं तेरी शादी कर देंगे, तू तो दूसरे घर की है। लेकिन जब शादी हो जाती है, जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं तेरा यहाँ है क्या, तू क्या लेके आई है। शायद हम उसी वक्त से ये सोचें कि अब हमारी बारी, हमें क्या बनाना है, कि कोई हमको ये ना कहे ये मेरा घर नहीं, हमें अपने लिए बनाना है, हमें अपने बारे में सोचना है। क्योंकि अगर हम 50% अगर 90% हमें किसी और के बारे में सोचना है तो 10% अपने बारे में भी सोचना है। हम उसी समय हम बहुत गलती कर देते हैं, जब हम उसी समय अपने बारे में सोचें, अपने हक के बारे में सोचें, तो हमें क्या, इस समाज में कोई भी लड़कियों को झुका नहीं सकता।